एक लड़का जब रोजाना बस स्टैंड से गुजरता तो एक भिखारी को रोज देखता। वो भिखारी आते जाते लोगों के आगे हाथ जोड़ता और कुछ मांगने की कोशिश करता। लड़का उसे देखकर बड़ा दुखी होता था। वो भिखारी एक वृद्ध था। देखने में ऐसा लगता जैसे ना जाने कितने दिनों से भरपेट भोजन तक नहीं मिला हो। शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास से गुजरता तो वो बड़ी आस से उसकी तरफ देखता। एक दिन लड़के से उस वृद्ध की दशा देखी नहीं गई। उसने मन में सोचा कि हे ईश्वर, इस भिखारी को अपने पास क्यों नहीं बुला लेता, कितनी दयनीय दशा हो गई है इसकी। ऐसे ही सोचते हुए वो लड़का उस भिखारी के पास गया और बोला, बाबा मैं काफी समय से आपको यह रोज देखता हूं, आपकी दशा इतनी खराब हो चुकी है, मुझे बड़ा दुख होता है, फिर भी आप क्यों जीना चाहते हैं, क्यों रोजाना आप भीख मांगते हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना क्यों नहीं करते कि वो आपको अपने पास बुलाए ताकि आपके दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भिखारी ने मुस्कुरा कर लड़के की तरफ देखा और बोला, हाँ बेटा सही कह रहे हो, चाहता तो मैं भी यही हूं कि जल्दी ही ईश्वर अपने पास बुला ले, लेकिन शायद उसकी मर्जी कुछ और है, वो मुझे यही लोगों के बीच रखना चाहता है ताकि लोग मुझे देख सके, मुझसे सीख सके कि एक दिन उनका भी ये हश्र हो सकता है और वे भी घृणा के पात्र हो सकते हैं, जैसा वे आज मुझे देखकर घृणा से भर जाते हैं, एक दिन उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। ये सुंदरता, ये पैसा, ये दुनिया की चकाचौंध हमेशा साथ नहीं रहते बेटा। सही ही तो कहा उस भिखारी ने, कड़वा सच है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इनको आप रोक नहीं सकते। आप चाहे बच्चे हैं या जवान या बूढ़े, अपने कर्म अच्छे रखिए, उस ईश्वर में विश्वास रखिए। जीवन यूं तो दुखों से भरा पड़ा है, लेकिन वो ऊपर वाला पालनहार है, वो सबकी नैया पार लगाने वाला है। ठीक है बाबा, चलता हूं।